Morning students, today we will start with exercise 4.3 NCERT. So 4.3 exercise, question number 1. So the question number 1 is, draw the graph. First question is, x plus y equals to 4. x plus y equals to 4, इसका meaning क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है. कौन सी वैल्यू होगी ताकि आंसर हमारे पास क्या आ जाए? सिंपल मेथड क्या है? बॉक्स बनाना, एक्स और वाई दो दो वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले सपोज करो एक्स की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी. सपोज करो की तरफ से अगर मैंने एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी तो मैं वाई की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा? आंसर 4 आ जाए, 3. क्यों? 1 + 3 क्या होता है? इसका अगर रेसिप्रोकल करें, एक्स अब एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो? 3. मैंने एक्स की वैल्यू 3 पुट कर दी, लेकिन y की वैल्यू क्या पुट करो? आंसर 4 आ जाए, 1. सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये हमारी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. अब 1 2 3 1 2 3 सबसे पहला पॉइंट है 1 और 3, x का 1 पहला पॉइंट हमेशा, x का दूसरा y का 1, x का ये रहा और y का ये रहा 1 और 3, तो ये पॉइंट आ गया. उसके बाद 3 and 1, x का 3 y का 1, तो ये पॉइंट आ गया. अब दोनों पॉइंट्स को ये अटैच कर दो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. अब मुझे x और y की ऐसी वैल्यू निकालनी है ताकि जो आंसर है वो 2 आ जाए. 2 कैसे आएगा? अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर दूं, सपोज दो मैंने 3 पुट कर दी, y की वैल्यू कितनी पुट करूं कि आंसर 2 आ जाए? 1, क्यों? 3 माइनस 1 कितना होता है? अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी होगी? 4 माइनस कितना डालू कि 2 आ जाए? 2. 4 माइनस 2 कितना होता है? 2. सो दीज 2 आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अगेन दिस इज ओरिजिन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. नाउ 1 2 3 4 1 2 3 4, the first point is 3 1, the first point is 3 1, the second point is 4 2 4 2, x का देखिए x का 4 y का 2, x का 4 तो ये रहा, y का 2 ये रहा. अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो यहां पर पॉइंट बन जाएगा. तो इनको ये बन गया हमारा सेकंड. अब हम शिफ्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है? प्लीज नोट इट डाउन, पहले से नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है वाई इक्वल्स टू 3x. अगेन बॉक्स बनाएंगे, जितनी मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 वैल्यू होनी चाहिए, मैक्सिमम 4. ओके, अब मुझे ये इक्वेशन दे, अब मैं x की वैल्यू सबसे पहले क्या पुट करूं? कोई भी पुट कर लो, सपोज करो x की वैल्यू 0 पुट करो. अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दी, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है? 0. y की वैल्यू क्या होती है? तो अब अगर x की वैल्यू 1 पुट करो, जब x की वैल्यू 1 चली गई तो 3 का आंसर क्या बन जाएगा? 3. तो y की वैल्यू क्या? 3. उसके बाद x की वैल्यू पुट कर दो 2. 3 को 2 से किया, y की वैल्यू कितनी बन गई? 6. सो अब ग्राफ अगेन, दिस इज ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. द पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. अब सबसे पहला पॉइंट 0 0, ये रहा. फिर 1 3 1 3, ये रहा. फिर 2 6,
पार्ट आपका होमवर्क है, जो फोर्थ पार्ट है वो आपका होमवर्क है। फोर्थ पार्ट है क्या, 2x + y = 3। इसके मैं सॉल्यूशन बता देता हूं, ग्राफ अपने आप बनाना है। सॉल्यूशंस क्या होंगे आपकी मर्जी है, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। सपोज करो आपने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, अगर आपने x की वैल्यू 0 पुट कर दी है तो 0 बन गया, तो y की वैल्यू क्या बच गई, 3। अब x और y की क्या वैल्यू पुट करें, आंसर 3 आ जाए। और क्या पुट कर सकते हैं, x और y की वैल्यू के आंसर हमारे पास 3 आ जाए। हम पुट कर सकते हैं x की वैल्यू 2, क्योंकि जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे ये तो बन गया 4, लेकिन मुझे क्या चाहिए 3, तो y की वैल्यू कितनी पुट करूंगा मैं, -1। क्यों, ये 4 - 1 क्या बन जाएगा, 2n - 1। सो दीज आर द सॉल्यूशन, इसका ग्राफ आपने खुद बनाना है, ये होमवर्क का। सो नाउ वी शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स, पासिंग थ्रू पॉइंट है 2, 14। हमेशा याद रखना, फर्स्ट पॉइंट हमेशा किसका होता है, एक्स का। सेकंड पॉइंट हमेशा किसका होता है, वाई। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इक्वेशन, मैं फर्स्ट इक्वेशन क्या क्या बना सकता हूं, x + y, 7x = y। ये इक्वेशन बन सकती है, कैसे, इसमें x की वैल्यू पुट करो कितनी है, 2, 7 को 2 से किया, 14, y की वैल्यू कितनी है, 14, so 14 = 14। फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन गई। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, सेकंड इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन ये बन सकती है, x + y = 16। क्यों बन सकती है, x की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 14, 2 + 14 कितना बन गया, 16। सो इनफिनाइट लाइंस कैन पास थ्रू द गिवन पॉइंट, जब भी कोई पॉइंट दिया होगा हमें, उसमें से हम इनफिनाइट लाइंस पास कर सकते हैं, बहुत सारे, लेकिन हमें दो पूछा था तो दो इक्वेशन। Okay, now we shift to the question number 3. Question number 3 is, if the point 3, 4 lies on 3y = ax + 7, find a। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो सॉल्यूशन जो पॉइंट है 3, 4 वो लाइज कर रहा है, लाइज ऑन 3y = ax + 7। ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट किसका होता है, x का, सेकंड पॉइंट किसका होता है, y का। तो x और y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी है, 4, x की वैल्यू कितनी है, 3 + 7, सो 12 = 3a + 7। 7 को मैंने इधर ले लिया, सो ये बन गया
5 इक्वल्स टू 3 सो a की वैल्यू कितनी बन गई 5 कॉम सिंपल आई रिपीट तो 3.4 पॉइंट था वो लाइक कर रहा था इस इक्वेशन पे तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया x का होता है दूसरा पॉइंट y का होता है x और y की वैल्यू पुट कर दी y की वैल्यू 4 पुट कर दी x की वैल्यू 3 पुट कर दी ये बन गया 12 ये बन गया 3 a + 7 7 शिफ्ट कर दो उधर 12 - 7 कितना होता 5 तो a की वैल्यू कितनी होगी 5 / 3 सो दिस इज थर्ड क्वेश्चन नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है मैंने गाड़ी हायर की कहीं जाने के लिए जब मैं पहला 1 किलोमीटर जा रहा हूं सपोज करो मैंने 1 किलोमीटर ये कर दिया ये 1 किलोमीटर जब मैंने 1 किलोमीटर चला गया तो उसके जो चार्जेस हैं वो है ₹1 पहले किलोमीटर के लेकिन जब उसके बाद गया जो बाकी किलोमीटर्स रह गए उसके चार्जेज हैं ₹5 तो पता करना है टोटल जो मेरा फेयर है वो कितना है और टोटल डिस्टेंस कितना है मुझे क्वेश्चन में दे रखा है टोटल डिस्टेंस कवर कितना है x किलोमीटर और टोटल फेयर जो टोटल फेयर कितना दिया हुआ वाई रुपीज वाई फेयर का मतलब होता है चार्जेस पैसे वो ऑफिस एक्स में आएंगे रुपीज में आएंगे जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में आएगा सो एक्स किलोमीटर अब वो क्या कह रहा है फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितने हैं ₹1 पहले किलोमीटर पहले 1 किलोमीटर में चला गया स्पोज करो मैंने समाना से पटियाला गया मैं पहले 1 किलोमीटर के मैंने कितने पैसे देने हैं उसको ₹8 देने हैं और टोटल डिस्टेंस कितना है x समाना से पटियाला का डिस्टेंस मैंने स्पोज कर दिया कितना है x है 1 किलोमीटर में चला गया यहां से 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर लेकिन 1 किलोमीटर मैंने कितने पैसे देने हैं ₹8 उसके बाद जितने बच गए उसको मैंने कितने पैसे देने हैं ₹5 के हिसाब से लेकिन डिस्टेंस ही कितना बच गया कितना डिस्टेंस बच गए टोटल x था 1 मैंने कर लिया कवर तो ये कितना बच गया x-1 ओके क्यों टोटल में से मैं 1 किलोमीटर जा चुका हूं ऑलरेडी सो x-1 अब पहले हम लिखेंगे फेयर फेयर फॉर द रेस्ट किलोमीटर जो बाकी किलोमीटर बच गए उसका कितना रहा है 5 लेकिन डिस्टेंस कितना है x-1 अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है टोटल जो किराया लिया वो कितना लिया वाई लेकिन पहले वहां तो 8 था 1 किलोमीटर के ₹8 दिए मैंने वो तो क्लियर हो गया उसके बाद कितना था 5x-1 सो वाई इक्वल्स टू 8 प्लस 5x-3 5x-5 वाई इक्वल्स टू 5x+ तो मेरे पास ये इक्वेशन अब इसके सॉल्यूशन निकाल लें सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे अब मैं एक्स और वाई की वैल्यू क्या पुट करूं कि आंसर सॉल्व कैसे करूं अब सपोज करो एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी मैंने अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 0 बन गया 0 मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्या बच गया वाई की वैल्यू कितनी बन गई ठीक अब एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो जब एक्स की वैल्यू 1 की 5 + 3 बाई 12 क्या होगी 8 अब इसको ग्राफ में प्लॉट करना है हमें ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे दिस इज वाई एक्सिस दिस इज ओरिजिन दिस इज एक्स एक्सिस अब हम डिस्टेंस लेंगे सबसे पहले 2
4, 6, 8. सबसे पहला पॉइंट 0, 3. एक्स का 0 पॉइंट है, वाई का 3 पॉइंट है. एक्स का 0 और वाई का 3. ये रहा. क्यों? एक्स का पॉइंट तो है नहीं, एक्स तो 0 है, लेकिन वाई 3 है. वाई 3 कहां पर है? उसके बाद एक्स का 1 और वाई का 8. एक्स का 1 तो ये रहा, वाई का 8 ये रहा. ये पॉइंट दोनों पर. दिस इज अ ग्राफ. आई जस्ट रीड दिस क्वेश्चन. उन्होंने क्या कहा था कि सपोज करो हम समाना से पटियाला जा रहे हैं. समाना से जब पटियाला जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस एक्स है. वैसे 30 किलोमीटर है, मैंने सपोज कर लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. टोटल समाना से पटियाला कितना है? एक्स किलोमीटर. यहां पर लिख देता हूं एक्स किलोमीटर. वो कह रहा है जब मैं एक किलोमीटर के जाने का, पहले किलोमीटर का जाने का जो खर्चा है, जो फेयर है, वो ₹8 है. तो मैंने मान लिए ₹8. ये रहा एक किलोमीटर का जो खर्चा है वो ₹8 है. उसके बाद जितना डिस्टेंस रह गया मुझे क्या पता कितना रह गया, लेकिन मैंने क्या माना टोटल एक्स. 1 किलोमीटर में जा चुका, कितना बच गया? एक्स माइनस 1. उसके किराया कितना? ₹5. तो उसका कितना बन जाएगा? 5x-1. पहले किलोमीटर के ₹8 है, बाकी जो बच गए उसके ₹5 है, लेकिन डिस्टेंस कितना बच गया? एक्स माइनस 1. सो इसको मैंने ओपन कर दिया, इक्वेशन बन गई, उसमें वैल्यू पुट की. ये सो नेक्स्ट द नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज होमवर्क. आई रिपीट, जो फिफ्थ क्वेश्चन है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक्सरसाइज 4.3. ये आपके लिए होमवर्क है. ये ग्रुप में करना है, बस आपने ये चेक करना है कौन से सॉल्यूशन का ग्राफ लिया हुआ है. ओके, सो ये आपके लिए होमवर्क है. नाउ वी शिफ्ट टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है? सबसे पहले मैं लेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बी एक्स किलोमीटर. मैंने सपोज कर लिया क्वेश्चन में कि जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, जो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ है वो कितना है? 5 यूनिट्स. इसको भी हम यूनिट्स मान लेंगे. अब मुझे क्या पता करना है? क्वेश्चन सुनिए. सबसे पहले क्वेश्चन है इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड द ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स फाइ. मुझे फोर्स देर की है 5 यूनिट्स. जितनी फोर्स मैंने लगाई वो 5 यूनिट्स है. डिस्टेंस मैंने सपोज कर लिया एक्स है. अब मुझे इक्वेशन पता करनी है वर्क डन की. वर्क डन का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स. अब डब्ल्यू इक्वल्स टू वर्क, डिस्टेंस कितना है? एक्स. फोर्स कितनी है? 5. मैंने वर्क डन को भी क्या मान लिया? लेट द वर्क डन बी 5 यूनिट्स. इसको किलोमीटर से लेट द वर्क डन बी वाई यूनिट्स. सो जो वर्क डन है उसको मैंने वाई मान लिया. वर्क डन का फार्मूला होता है डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स. डिस्टेंस क्या है? एक्स. फोर्स कितनी है? 5 यूनिट्स. सो वाई की वैल्यू कितनी आती है? ओके, अब अगेन इसके सॉल्यूशन निकाल लें जो कि बहुत सिंपल है. जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, जब 0 पुट की तो ये 5 को 0 से किया 0 तो वाई की वैल्यू भी 0 बन गई. अगर x की वैल्यू 1 पुट की, 5 1 5 तो y की वैल्यू क्या बन गई? 5. अगर सपोज करो x की वैल्यू क्या पुट कर दें? 2 पुट कर दें तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? 10. तो इसका अब ग्राफ x एक्सिस
y-axis, this is origin. अब ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ अगेन पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे हम 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 सबसे पहला पॉइंट है 0, 0 ये रहा पॉइंट 0, 0 अगला पॉइंट है 1, 5, 1, 5 अगला पॉइंट है 2, 10, 2, 10 सो ये बन गया ग्राफ ओके जब भी 0, 0 आएगा लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करें याद रखना सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट कर रहा हूं मैं उन्होंने कहा था कि हमें वर्क डन के लिए इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल्स वर्क डन का हमें याद रखना फिजिक्स में आप पढ़ेंगे वर्क डन का फार्मूला होता है जितनी फोर्स लगा रहे हैं मल्टीप्लाई जितना डिस्टेंस है ओके सो वर्क डन का फार्मूला डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स वर्क डन को मैंने क्या मान लिया वाई डिस्टेंस मैंने मान लिया एक्स फोर्स मुझे दे रखी थी 5 सो 5 को x से मल्टीप्लाई किया या x को 5 से किया बन गया 5x उसके बाद मैंने टू सॉल्यूशन निकाले थ्री सॉल्यूशंस 0, 0, 1, 5, 2, 10 उसको ग्राफ में प्लॉट करते नाउ वी शिफ्ट टू द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है यामिनी एंड फातिमा दो स्टूडेंट्स हैं यामिनी एंड फातिमा ऑफ क्लास 11-9 टुगेदर कंट्रीब्यूटेड रुपीज 100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स उन्होंने 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए तो हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है ताकि वो जो डाटा है उसको सेटिस्फाई करे सबसे पहले हम क्या सोच करेंगे लेट द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय यामिनी रुपीज एक्स ओके यामिनी एक्स उसके बाद मैंने क्या सपोज कर लिया लेट द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय फातिमा रुपीज वाई अब दोनों कितने पैसे दे रहे हैं 100 सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों कितने पैसे दे रहे हैं जो फातिमा के पैसे थे यामिनी के पैसे थे और फातिमा के पैसे टोटल कितने हैं 100 बस हमें सॉल्यूशन निकालना है इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे कौन कौन सी वैल्यू पुट करूं कि आंसर 100 आ जाए कौन कौन सी वैल्यू पुट करूं 50 + 50 कितने होते हैं 100 उसके बाद कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूं 90 और 10 90 + 10 कितने होते हैं 100 सो इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे बस दिस इज ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सो ये बन गया 20, 40, 60, 80, 100 अब 50-50 सबसे पहले ये रहा 50 इसका ये रहा 50 इसका ये पॉइंट का उसके बाद 90 और 100 90 ये रहा एक्स्ट्रा और 10 सॉरी 10 ये रहा सो ये बन गया सो दिस जो लास्ट क्वेश्चन है अगेन क्वेश्चन नंबर 8 ये होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.3 सो टू क्वेश्चंस फॉर द होमवर्क पे क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन नंबर 8 दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज टुमारो विल स्टार्ट विद द न्यू एक्सरसाइज थैंक यू